अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक अहमद और आप देख रहे हैं पत्तों की हंटर्स क्लब की तरफ से एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो। आप देख रहे हैं जी, आज हमारे पास है डिस्कवरी का रेंज फाइंडर, लेज़र रेंज फाइंडर D600। अच्छी डिवाइस है, ये लाइट वेट है। इससे पहले भी डिस्कवरी के कुछ मॉडल्स आए हैं मार्केट में, डी की सीरीज थी, डब्ल्यू की सीरीज थी, वो काफ़ी वेट में ज़्यादा थे और फीचर भी कम थे। ये लाइट वेट भी है, इसको उठाना भी आसान है और इसमें फीचर भी पहले की निस्बत ज़्यादा है। इसमें एक तो बैटरी डाल दी उन्होंने, बैटरी का निशान आ जाता है ऊपर जब आप देख रहे होते हैं अंदर से इसमें। तो दूसरा इसमें है एंगल इंडिकेटर, वो भी कोई ज़मीन से हाइट का कोई होता है मसला, उसके बारे में है वो कुछ, दोबारा इंशाल्लाह उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल आज इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी, हमारा कैमरा नज़दीक आ चुका है जी, अभी आपके सामने इसको अनबॉक्सिंग करेंगे D600 को जी। ये जी, इसके लेंस को साफ़ करने के लिए सेलम ने इसमें पहले डाल दिया था DCR2 सेल मिलता जी इसमें, ये आसानी से नहीं मिलता क्योंकि मुझे पता है मैंने मंगवाया है इसको एक दो बार, तो मुश्किल से ऑनलाइन ही मिला ये। वैसे कैमरा मार्केट में ये मिल जाता है आसानी से, यहाँ से तो कैमरा मार्केट काफ़ी दूर है। ये जी पेंट के बेल्ट में डालने के लिए है, बस उसको सैर पे कर देते हैं। ये जी अच्छी पैकिंग में है, इसका बड़ा अच्छा पाउच है इसके साथ जी। तो ये हमारा रेंज फाइंडर आ गया बाहर, यहाँ से देखना है, यहाँ से जी ये लेज़र वाला हिस्सा है, यहाँ से लेज़र निकलती है इसकी ये, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, ये जी इसका ऑन ऑफ वाला बटन है, ठीक है, इससे ऑन करते हैं, ये चंद सेकंड ऑन रहता है फिर खुद ब खुद ही ऑफ हो जाता है। ये मोड है जी, मोड का बटन है, इससे आप मीटर से यार्ड में, यार्ड से मीटर में इसको तब्दील कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको प्रेस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो काफ़ी अच्छी चीज़ बनी हुई, लाइट वेट भी है, कैरी करना, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मैंने वैसे इसको इस्तेमाल किया है पहले भी, तो ये अच्छी डिवाइस है जी। ये मॉडल इसका, लुक देख लें आप, काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत बना हुआ है, लाइट वेट है, हल्का सा, छोटा सा है, पॉकेट में भी रख सकते हैं आप इसको, ठीक है जी। करीब से आपको दिखा दिया, अनबॉक्सिंग भी हो गई इसकी, कुछ बातें कर लेते हैं इसके बारे में जी। ये जी हमारा D600, इसका मतलब है जी कि आप 600 मीटर तक इतनी रेंज में, इतने एरिया में आप किसी चीज़ को, की दूरी को माप सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने फासले पे। इसमें तीन मॉडल हैं जी इसके, D600, D800 और D1200। वैसे पाकिस्तान में ये काफ़ी है क्योंकि जितनी हम शिकार कर रहे होते हैं वो तकरीबन रेंज हमारी होती है 50 मीटर से हद 200 मीटर तक, ज़्यादातर तो 100 मीटर, 110 मीटर या 80 मीटर तक ही इस्तेमाल होता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको फील्ड में पता चल जाता है कि आप जिस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं वो कितने फासले पे है, और अपने जो एयरगन का निशाना सेट किया हुआ है, स्कोप का जो आपने मेल डॉट पे जो आपने जीरो की हुई है, उस लिहाज से आपने कहाँ पे शूट करना है, आपका टारगेट कितने फासले पे है और आपने कौन सा मेल डॉट इस्तेमाल करना है, अप करना है या डाउन करना है, इसका ये बड़ा फ़ायदा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल करने में आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह, इस्तेमाल करके देखें आप इसको। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसको आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपका नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप हमसे भी ले सकते हैं, वैसे भी ऑनलाइन शॉप से मिल जाता है आसानी से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।